850 चंडीगढ़ है 250 किलोमीटर के आसपास लगभग। सामने देखो यार, वो हॉटेस्ट साइड ऑफ माय करियर। कौन सी टनल है, खत्म ही नहीं होके दे रही यार। और जीटी जब आप कर्व में जाते हो तो किस तरीके से डाउनशिफ्ट करना चाहिए आपको? चंडीगढ़ आई नहीं यार, पता नहीं, परेशान हो गया मैं तो। पूरी हिम्मत उठा के जितनी मेरे अंदर जान बची है ना, तो भैया रेमोन जी रात को बाहर ही खड़े हुए थे, कोई अंदर खड़ी करने की जगह है नहीं यहाँ पे, तो शांति से अपनी सर्दी वाली रात को, मिड सर्दी वाली रात कहेंगे उसको, एंजॉय कर रहे थे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड अ सॉलिड सैल्यूट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ माय स्क्वाड ट्रिपल आर। पहाड़ों में आज हमारी लास्ट मॉर्निंग थी, तो मैंने सोचा भाई दिखा देते हैं आपको कि भाई बर्फ़ कहाँ कहाँ पड़ी है। कल रात को वहाँ पर देख लो, उस तरफ तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। सो भाई यहाँ का सीन ऐसे ही होता है, कभी भी कहीं भी बर्फ़ पड़ जाती है, सांस फूल रही है भाई, इसका मतलब स्टैमिना पे भी काम करना पड़ेगा। आज की राइड रहेगी एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन वाली राइड, क्योंकि 7-8 डिग्री से आज हम सीधे जाएंगे 45 डिग्री पे, जो कि हम पहले दिन आए थे 45 डिग्री से सीधा 2 डिग्री पे, आज उल्टा होगा। और भाई कौन चाहता है इतनी गर्मी में जाने का, बट पर्क्स ऑफ सिटी लाइफ, जाना पड़ेगा भाई, कमाना है तो सिटी तो जानी पड़ेगा। एक चीज़ और होगी यार मेरे साथ रात को, डीवी किलर्स है ना, मैंने सोचा था दिल्ली जाते हो डीवी किलर्स लगा लूँगा, बट यार डीवी किलर्स के ना पेच खो गए, अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे फिट होगा, तो दिल्ली जाके देखेंगे इसको भी, पता नहीं पेच कैसे निकल गए, समझ से बाहर है। जल्दी से राइड को स्टार्ट करते हैं और दिल्ली की तरफ रुक करते हैं अपना। चलो कोल्ड स्टार्ट देना यार बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन कोल्ड कंडीशंस में तो ज़रूरी है कि भाई इंजन ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, उसके बाद वो अच्छी तरीके से रम जाता है पूरी बाइक में और आप पूरी राइड के मजे ले सकते हो। ओम गण गणपत्याय नमः, जय गणपति महाराज। रक्षा करना हमारी आज की राइड को, सक्सेसफुल रखना और हमें सेफली घर पहुँचाना, प्लस अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखाना। सो भाई मॉर्निंग राइड के साथ साथ हम सिसु को बाय बाय कहते हैं। अब हमने शिंकुला टॉप पे जो वाटर क्रॉसिंग करी, बर्फ़ देखी, पहाड़ी रास्ते देखे, भाई उससे दिल ऐसा हो गया ना कि बस अपने आप में एक बहुत तगड़े वाला कॉन्फिडेंस लेके जा रहा हूँ अपने अंदर। वाटर क्रॉसिंग में भाई भगवान की कृपा से और आप लोगों की साथ के साथ, प्लस थोड़ी सी अपना दिमाग के साथ, मैं एक बार भी नहीं गिरा, जबकि हिमालयन जैसी बाइक्स और बहुत सारी जो ऑफ रोडिंग बाइक्स हैं सब गिर के गई हैं, तो ये एक कॉन्फिडेंस वाली बात है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए, बट हाँ कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात होती है यार। अब अटल टनल आएगा आगे, तो ठीक है भाई अटल टनल भी दिखा देते हैं आपको और हम भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने रात को देखा था अटल टनल। चलो भाई पहाड़ी कर्स, आई एम गोना मिस देम। सिसु के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको मनाली में स्टे नहीं करना, तो ये जो एरिया ना सिसु और इसके आसपास के गांव, तो यहाँ पे आके आप स्टे कर लो, बेटर ऑप्शन है। मनाली में बहुत ज़्यादा क्राउड है और मेरे हिसाब से कुछ देखने लायक है भी नहीं। सिसु लेक और सामने देखो यार, वो सिसु वाटरफॉल बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। 33 किलोमीटर मनाली रह गया अटल टनल 0.5। सो भाई अटल टनल वी आर हियर, देख लो भाई आपका भाई 2018 में यहीं से रेस्क्यू होके आया था। हाँ यार क्या समय था वो, क्या सीन था भाई, मतलब आज भी मैं याद करता ना उन चीज़ों को तो ऐसा लगता है कि हाँ ज़िंदगी में कुछ किया है, ज़िंदगी का कुछ मकसद है जो पता नहीं कब मिलेगा या कर पाऊँगा मैं। ये वाला जो रास्ता है ग्रमफुकले निकल जाता है भाई, यहीं से आए थे, यहीं पे गए थे और बस जब भी आता हूँ ना इस रूट पे मेरी ये वाली मेमोरीज ताज़ा हो जाती है भाई। चलो भाई अटल टनल को क्रॉस करेंगे, अब की बारी हम नॉर्थ पोर्टल से एंटर होंगे और साउथ पोर्टल पे निकल के सीधा सोलांग वैली में घुसेंगे, और यहाँ पे भाई 60 की लिमिट है, तो लिमिट को मत क्रॉस करना। कैमरेज लगे हुए हैं हर जगह, तो भाई लोगों
अपना देख के आना जब भी आओ, हम भी 60 से ऊपर नहीं जाएंगे। सोलांग वैली, पलचन और पता नहीं क्या क्या क्रॉस हो चुका है, बट मैं एक चीज़ देख के बहुत हैरान हूँ कि ट्रैफिक कितना आ रहा है भाई। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, ऐसे लग रहा है पूरा कैनवा आ रहा है, पूरा कैनवा भाई। सही है, सब मज़े ले रहे हैं। गेमॉन की, हमारे गेमॉन की खुराक पूरी हो गई है। अभी भी एम्प्टी दिखा रहे हैं, इसके फ्यूल मीटर का ना कुछ नहीं पता लगता। 850 रुपये में ना हमारा जो है टैंक फुल हो गया था। अब का सीन ऐसा है कि अब जल्दी जल्दी निकलेंगे, यहाँ तक तो ठीक था जाम, इतना नहीं था, बट आगे मुझे लग रहा है कि जाम मिलेगा। प्लस प्रतीक अलग निकल ही गया है, सो सॉर्ट ऑफ अ सोलो राइड रहेगी। सामान थोड़ा सा लूज़ हो गया था, वो मैंने बांध लिया दोबारा से, और अगली बार ना सैडल बैग वाला जुगाड़ ही करके आएंगे। चलो यार राइड को कंटिन्यू रखते हैं, 8 बज गए हैं और जल्दी से नीचे पहुंचना है भाई। जैसे जैसे नीचे पहुंचते जा रहे हैं ना, गर्मी बढ़ती जा रही है। मनाली वाला जाम तो हम क्रॉस कर चुके हैं, अब जो है वो हमारा लास्ट पैच चल रहा है इन ब्यूटीफुल सी कर्व्स पे लीन करने का। ये देखो भाई, हॉट एयर बलून, ये नई चीज़ मैंने देखी है। वैसे तो काफ़ी टाइम से है, मैंने सुना अभी तो। कभी आएंगे यार दोबारा, फैमिली के साथ आऊँगा आपकी बारी, जब भी आऊँगा। वो आंटी जो पीछे मिली थी वो यही कह रही थी आप बाइक से कैसे आ गए, तो यार मैंने यही कहा कि बस आ गए, पैसे ने उसको फॉलो कर रहे हैं। उससे ज़्यादा परेशानी घर वालों के लिए तो बनती है यार। ठीक है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, इस समय ऊपर वाले की कृपा है, आप लोगों का साथ है, तो वही वाली बात है कि हम बिल्कुल मुट्ठी बन के जाट है। बाकी अपने लेफ्ट में देख लो मेरे गाइस, मेरे बॉयज, मेरे दोस्तों, प्यास रिवर कितनी कितनी सुंदर लग रही है यार। वाह, बहुत सही फ्लो है, रिवर राफ्टिंग वगैरह इस समय यहाँ पे खूब होती है। देख लो भाई स्टंट मारते हुए, वो पैराग्लाइडिंग है, और ऊपर भी देख लो भाई पैराग्लाइडिंग हो रही है। मतलब वीर आना है जल्दी, तो वीर आके करेंगे पैराग्लाइडिंग। BMW की 1250 है शायद, ये कंफर्म करते हैं अभी आगे जाके। भाई संडे राइड्स पे क्या होता है, बाइक दिखती हैं, तो आज भी आपको एक और बाइक दिख रही है। भाई साहब, भाई ने पूरी तरीके से लोडिंग कर रखी है भाई, परफेक्ट टूरर है ये। अरे वाह, इस रोड ट्रिप से मैंने GT के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानी है। जब आप कर्व में जाते हो तो किस तरीके से डाउनशिफ्ट करना चाहिए आपको, किस तरीके से एकदम से अपशिफ्ट लेके फिर रेस दे देनी चाहिए, वो सब चीज़ें भाई बहुत अच्छी तरीके से मैंने जानी। अब जैसे हमें इस कार को ओवरटेक करना है, तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा मुझे कम लगा क्योंकि सामने ब्लाइंड कर्व है। ये देखो गाड़ी आ गई, तो ये चीज़ अभी नहीं ओवरटेक करेंगे। हाँ, अब मैं नहीं करूँगा अभी भी क्योंकि गाड़ी है सामने से, अब कर लूँगा। ये देखो बहुत प्यार से हमने ओवरटेक कर लिया। अब जैसे हम हल्का सा कर्व में जा रहे हैं, तो कर्व से पहले ही एक गियर डाउनशिफ्ट कर दो, आराम से कर्व में आओ, और हाफ कर्व पे उसी गियर में आगे करके एकदम से अपशिफ्ट कर दो। ये बहुत सिंपल सा चीज है। इनिशियली जब मैं आया था तो मुझे दिक्कत हो रही थी, बट जैसे ही हम शिंकुला पास से नीचे आए तो बहुत अच्छा रास्ता था, वहाँ पे मैंने ये चीज़ ना समझी और अप्लाई किया। ये भाई लोग गुजरात से आए हैं। ओह वाओ मैन, जज्बा है, जोश है भाई। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रिज बेनिफिट है कि आप एक हायर एंड सेगमेंट की बाइक के साथ राइड कर रहे हो, उसके पास पावर्स हैं, उसके पास मैकेनिक्स है उस बाइक को रन करने का, तो वो ऑब्वियसली बात है आगे निकलेगा ही निकलेगा। तो ठीक है, जैसा भी है, इन्जॉय कर रहे हैं भाई। क्रॉस कर रहे हैं कुल्लू वाला ब्रिज, इसके बाद मुझे ये देखना है कि कुल्लू की तरफ से निकले या फिर जो भुंतर वाला रूट है मंडी वाला क्रॉस करके, मंडी मंडी आ गई है, भुंतर भी अभी आ गई है। चलो ठीक है, मतलब मेरी नॉलेज सही है इस समय। मुझे थोड़ी सी खांसी भी हो गई है भाई, और साथ ही साथ में ना भाई पेट की भी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है यार। या तो यहाँ का खाना मुझे सूट नहीं किया, काफ़ी दिन बाद बाहर का इस तरीके से खाना खाया था, तो मे भी उसकी वजह से। इंडिकेटर तो दे दिया करो भाई लोगों, आगे नहीं दिखता है, फिर टक्कर होती है। अच्छा हाईवे बना रखा है, एक और GT सेम, वाह
सीट ही दिख गई यार इसमें तो भाई। ग्रेमोन को उसका दोस्त भी दिख गया, वाह सही है। हाँ जी आगे भाई, तो फेमस मनाली वाला ब्रिज, कुल्लू वाला ब्रिज, तो वही ब्रिज है भाई, वही ब्रिज है। यहाँ पे खड़े होके हम फोटोज खिंचवाया करते थे। एम आई करेक्ट? बोर्ड पे पता कर लेते हैं एक बार, बोर्ड पे निशानियाँ तो होती है। यस 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 यार, ये वही वाला रूट है कसौल के लिए। लेफ्ट आप जाओगे तो कसौल चले जाओगे। देखो भाई टाइम कितनी जल्दी कट रहा है, पर हाँ रास्ते याद तो रहते ही हैं। तो भाई टाइम हुआ है, देख लो दिख रहा है ना, 8:50। चंडीगढ़ है 250 किलोमीटर के आसपास लगभग। अब देखते हैं कि यहाँ से कितनी देर में हम घर पहुँचते हैं। सो अब असली वाली राइड शुरू हो जाएगी भाई। जैसा मैं आपको बता रहा था, रेस अगेंस्ट टाइम। चलो भाई भाई, ट्रिप का अभी तक की ट्रिप का पहला खाना वाना देख लो, अभी तक तुमने कुछ दिखाया नहीं। पराठा है, दही है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मंडी लगभग क्रॉस ही कर चुका हूँ मैं, आउटस्कर्ट्स पे हूँ मंडी के इस समय भाई। टनल नंबर 11 के बाद ना पूरा रास्ता ऐसा था कि बस क्या ही बताऊँ, बहुत बुरा रास्ता था, बन रहा था एक्चुअली रास्ता। तो जब रास्ता बन रहा होता है तो कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से प्रॉब्लम तो होती होती है, बीच में जाम भी मिल गया था। बट आई एम हैप्पी कि अब ये जो रास्ता आएगा ना ये बिल्कुल क्लियर होगा और हम निकल जाएंगे शाय करके। पहले नाश्ता कर लेते भाई, बड़ी तेज़ भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया था और 10:30 के आसपास का टाइम हो गया। खाते हैं, जल्दी से निकलते हैं, फिर पहुँचते हैं और आपको मिलते हैं कहीं रास्ते पर, देखते हैं कहाँ कैचअप कर सकते हैं। चलो, अरे वाह वाह वाह, चंडीगढ़ जूगाहन। बताना ये चाहूँगा कि अभी हमने सुंदर नगर को बाईपास किया है और पहाड़ों को इसी के साथ साथ हम बाय 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 कह सकते हैं। जल्दी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे भाई, फिर से मिलेंगे। 80, 100, 110 ये स्पीड चल रही है, बट बीच में यार दिखाऊंगा मैं अभी, शायद पता नहीं पीछे आया हो नहीं आया हो यार, स्पीड लिमिटर्स ये रही 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 ये ऐसे ना कैमरेज लगे हुए हैं, तो भाई ये बड़ी दिक्कत वाला काम है। इस कैमरे पे ना भाई अपनी नज़र टिका के रखना, क्योंकि चलान हो सकता है। मुझे ये नहीं समझ आता कि कैमरे लगा रखे हैं आप लोगों ने और ऐसा रूट बना रखा है। ठीक है सेफ्टी यार है, इम्पोर्टेंट है, बट ऐसे रूट पे यार कहीं 60 की स्पीड पे गाड़ी चलती है भाई। क्या कहते हो, शिमला चल लें? 110 किलोमीटर ही है, चंडीगढ़ रह गया भाई 130 किलोमीटर। ओहो, आते समय ना जो लोग मिली थी ना वो ही लू लगने लग गई है। अभी क्या हुआ कि यार मैंने काले रंग का चश्मा पहन रखा है और अंधेरे में ना साइड लाइन्स दिखी नहीं मुझे बिल्कुल भी। भाई साहब अभी टक्कर खाते हैं यहाँ पे कोई नहीं भाई, बच गए। ले, फोटो ले मेरी फ़ोटो ले ले। 56 किलोमीटर, हद यार हद। पी लो। हाँ कोई नहीं, गर्मी इतनी है भाई क्या करें। थोड़ा सा स्टॉपेज लिया था चंडीगढ़ से पहले लिया है, ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर रह गया चंडीगढ़, नहीं ज़्यादा ही रह गया। गर्मी बहुत है यार, हर मोड पे आ जा रहे हैं यार, परेशान कर दिया यार, क्या तरीका है यार। बंदा जरा सा भी स्पीड बढ़ाएगा एकदम से मोड़ आ जाता है, और मोड़ पे रोकना आपको पता है यार कितना मुश्किल है। तो प्लेसमेंट्स सही में यार जिसने भी करी है ना बहुत अजीब तरीके से करी है इसकी प्लेसमेंट्स यार। तो भाई इसकी खुराक बहुत है, इसकी खुराक पूरी करवाओ आप। सो गाइस अभी चंडीगढ़ पहुंचने से लगभग 10 किलोमीटर दूर है हम, चंडीगढ़ आ ही नहीं आया यार, पता नहीं परेशान हो गया मैं तो, लिटरली बता रहा हूँ भाई। इतनी ज़्यादा गर्मी है इस समय, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बोलूँ। सामने से लग रही है लू, साइड में से लू लग रही है, इधर से लू लग रही है, ऊपर से लग रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लू लग रही है, और नीचे की तरफ से भाई पैरों पर भी कपड़ा डाल के बैठा था, देख लो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। चलाना ना मुश्किल हो गया, ऐसे में लगता है कि यार हम क्या बेवकूफ़पंती कर रहे हैं इस समय, क्या कर रहे हैं ज़िंदगी के साथ, मतलब इतनी गर्मी में बाइक दौड़ा रहे हैं।
तो ये एक नेगेटिव थिंग है, ये नेगेटिव थिंग है राइडर के दिमाग में आती है, लंबी राइड्स में आती है, तो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में यार ये सोच सकते हैं कि यार तीन संडे राइड पे हम एक साथ आए हैं और तीन संडे राइड हमें एक साथ करनी है, तो बात बन जाएगी। तो ठीक है, राइड को स्टार्ट करते हैं, बीच में चंडीगढ़ क्रॉस करेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं। गर्मी बहुत है भाई, घर से मत निकलो, घर में रहो भाई इस समय। सही समय पर हमारा मोबाइल होल्डर ना हमने टाइट करवा लिया था और उसकी वजह से आज हम चंडीगढ़ में खोते खोते बच गए। तो भाई मोबाइल होल्डर आ गया हमारा, बट दिक्कत ये है कि गर्मी के कारण ना फ़ोन हीट ना हो जाए, मुझे इस बात का डर लग रहा है। चार साढ़े चार घंटे अभी और लगेंगे दिल्ली पहुंचने में। मैं इस रूट से पहले नहीं आया हूं चंडीगढ़ में, जब भी आते हैं हर बारी नया रूट ही मिलता है। ये एरो सिटी वाला रूट है भाई, सब गाड़ियां यहां पे एक नंबर दिख रही हैं सारी। नॉट अ फैन ऑफ कार्स, बट दीज कार्स मेक मी क्राई। हाय हाय हाय, पीछे अभी एक BMW दिखी थी डबल सीटर, भाई क्या लग रही थी, लाल बत्तियाँ ही मिले जा रही हैं यार। और चंडीगढ़ लेफ्ट, हमें अम्बाला होते हुए दिल्ली जाना है, तो यहाँ से राइट लेंगे। भाई इस रूट के बारे में ना सबसे बुरी बात मुझे यही लगती है, सीधा 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 रूट, ऊपर से गर्मी इतनी है, सड़कों पे भाई मिराज दिख रहा है। मिराज आप समझोगे तो भाई ऐसा लग रहा है कि आगे पानी पड़ हुआ है, बट नहीं है। तो उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि यार कितनी ज़्यादा गर्मी है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ अंदर से गर्मी के कारण। भाई सोचा नहीं था ना भाई वो हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे आके जाम मिलेगा, किसको उम्मीद थी यार। तुम कह रहे हो कि भाई रुके जा रहे हो पेट्रोल पंप पे, ग्रेमोन का इतना पेट्रोल पी रहे? नहीं भाई, ग्रेमोन इतना पेट्रोल नहीं पी रहा, आज मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट राइड ऑफ माई करियर, हमेशा याद रहेगी क्या किया है भाई आज। भाई मेरे तो टू ही गई, घर चलते हैं, बस थोड़ा सा रह गया 200 किलोमीटर के आसपास, दो संडे राइड करनी है हमें अभी। तो भाई साहब दिल्ली यहाँ से रह गया है, कुरुक्षेत्र का इंस्टीट्यूट आ गया, तो दिल्ली रह गया है 154 किलोमीटर, जैसा कि मेरी आँखें देख पा रही हैं। कोई नहीं, करेंगे भाई, हालत बुरी है। एक तो राइट हैंड काम नहीं कर रहा, देखो बिल्कुल भी, पता नहीं क्या हो गया इसमें। मैं मूवमेंट भी दे रहा हूँ ना, देखो अब जाके हुआ है बिल्कुल, मतलब मूवमेंट स्लो आ गई है। मेरे को लग रहा है कि कुछ हाथ जम सा गया है या पता नहीं क्या हुआ है, हाथ सुन पड़ रहा है बार बार ही, तो वो जाके मैं फिजियोथेरेपी में चेक कराऊँगा एक बारी। 150 किलोमीटर जल्दी जल्दी से पार कर लेंगे, शाएँ 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 नहीं, फाएँ 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 करके। सो गाइस पूरी हिम्मत जुटा के जितनी मेरे अंदर जान बची है ना, उसके साथ आपको वही पॉइंट दिखा देता हूँ जहाँ से हमने अपनी सीरीज़ का व्लॉग स्टार्ट किया था, मतलब ये लेफ्ट है, हमने राइट की तरह से स्टार्ट किया था। रात हो गई हमें घर पहुँचते पहुँचते, बट पहुँच सकते थे अभी तीन घंटे पहले। बाकी की बातें करेंगे घर पहुँच के, आराम से तसल्ली से बस घर पहुँच जाए यार। मेरी टूई की बहुत ज़्यादा वॉट लगी हुई है। अरे भैया ब्रेक क्यों नहीं लग रहे, ब्रेक क्यों नहीं लग रहे। तो भाई एक क्रेजी पागल राइड करके हम लोग फाइनली घर पे आ गए हैं, समय हो गया रात के 11 बज गए हैं। इस पागलपन को शायद दोबारा मैं नहीं करूँगा, बट ये पागलपन है, ये जुनून है, तभी तो हम आज की डेट में जिंदा हैं। घर पहुँचते पहुँचते थोड़ी सी देरी इसलिए हो गई थी क्योंकि भाई रास्ते में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे कि मुझे रुकना पड़ा, और उन चीज़ों के बारे में हम बात किसी और व्लॉग में करेंगे कभी फ्यूचर में। सो ठीक है, सेफली घर पहुँच गए, वन पीस में घर पहुँच गए, एंड दैट्स इट। ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लेवल की राइड हो गई थी यार, घर पे आके इतनी डांट पड़ी है ना जब घर वालों ने देखा कि 45 डिग्री में बाइक चला के आ रहे हो। सो भाई बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, पैर में छाले पड़ गए हैं, दोनों जागों पे छाले पड़ गए हैं, क्या ही बोलूं भाई, समझ सकते हो, और कमर पे भी भाई बहुत तगड़े वाले छाले पड़ गए हैं। सो ठीक है, बट खुशी की बात यह है कि एक नया एक्सपीरियंस लेकर आए अपने साथ, और इस एक्सपीरियंस के साथ आगे भी चलते रहेंगे। ग्रेमोन बाहर खड़ा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो थोड़ा दूर ही रहूँ उससे तो बढ़िया भाई, क्योंकि मुझे खुद पसीने आ रहे हैं। लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके रिलेटेड एक व्लॉग मैं अपने चैनल पर जल्दी अपलोड करूँगा। कुछ बातें हैं जो मुझे आप लोगों से करनी है, GD से रिलेटेड, लॉन्ग राइड से रिलेटेड, और सबसे बड़ी बात खर्चे से रिलेटेड, तो जल्दी चैनल पर लाइव हो जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ भाई, थकान बहुत ही ज़्यादा हो गई है, शरीर का अंग अंग ऐसे टूट रहा है कि बस क्या ही बोलूँ। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ। टिल देन टेक
केयर, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। होपफुली आपको ये ट्रैवल सीरीज पसंद आई हो और अपना प्यार जरूर 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 बरसा के जाना। ऐसे ट्रैवल वाले एक्सपीडिशंस एडवेंचर्स जल्दी चैनल पे आएंगे, काफ़ी सारे आएंगे, ये मेरा वादा। चलो।